नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। कांग्रेस से लगातार जो है सभी नेता जो है इस्तीफा देते जा रहे हैं या कांग्रेस के साथ जो है मुंह फरस्ती करते जा रहे हैं। जी हां, देखा हमने कि गुजरात में किस तरीके से 7 विधायक जो है उन्होंने कांग्रेस का साथ जो है छोड़ दिया। आनंद शर्मा जो कांग्रेस के कट्टर यानी कट्टर कांग्रेसी कहे जाते थे, उन्होंने भी कांग्रेस के से अपना मुंह मोड़ लिया। आखिर क्या कारण है कि लोग कांग्रेस को जो है लगातार छोड़ते चले जा रहे हैं? बता दें कि कांग्रेस में जिस तरीके से अभी एक बड़े नेता ने, जी हाँ, माइनॉरिटी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी जो है यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस्तीफा दे दिया। एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कांग्रेस के खेमे से। कांग्रेस को लगातार जो है यहाँ पर झटकों पे झटके लगते जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है कांग्रेस के जयवीर शेरगिल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है मिलिंद देवड़ा जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने भी जो है कांग्रेस पर काफी ज्यादा सवाल खड़े किए थे। तो लगातार कांग्रेस से नेता एक तरीके से कहिए कि फरार होते जा रहे हैं। कांग्रेस के पास जो है अब विकल्प, नेताओं के विकल्प की कमी है। बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस से लगातार सभी नेता पद को लेकर के वहां पर छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो भी सर्वोच्च पद है उस पर जो है गांधी परिवार का ही व्यक्ति काबिज हो जाता है और किसी नेता को जो है मौका नहीं दिया जाता उसकी कार्य कुशलता के हिसाब से। यही कारण है कि कांग्रेस में जो है लगातार सभी नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति जिस तरीके से हो गई है, एक समय देश की सत्ता पर जो है काबिज थी और इस तरीके से काबिज थी कि शायद ही कांग्रेस को हटाने वाला कोई था। और आज देखिए कि उसी कांग्रेस की स्थिति किस तरीके से बदतर हो गई है कि लगातार यहाँ पर नेता जो है इस्तीफा दे रहे हैं। फिलहाल इसके लिए अभी बड़ी खबर यही निकल के आ रही है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता और दिग्गज नेता माने जाते थे गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। और बीते दिनों जयवीर शेरगिल जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तमाम लगभग अभी कुछ दिनों से कांग्रेस में जो है इस्तीफे का दौर चल रहा है। बता दें अध्यक्ष चुनाव की अवधि जो है बढ़ाकर 28 अगस्त को कर दी गई है। जो 24 अगस्त की अवधि थी उसे अब 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के आलाकमान पद को यानी अंतरिम अध्यक्ष पद को आखिर कौन सा कांग्रेसी या कांग्रेस किसी नए चेहरे को लेकर के आती है या कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के पास कई सारे दिग्गज नेता है, चाहे हम मलिक अर्जुन खड़गे की बात करें या फिर हम पी चिदम्बरम की बात करें या फिर हम सिद्धारमैया की बात करें। कांग्रेस के पास कई जो है मुख्यता चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस उन्हें अग्रेतर मौका नहीं दे रही है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार जो है खाली होते चली जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज। Oh,